हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ई पैन के बारे में। आप पैन कैसे, अपना पैन कार्ड कैसे आधार से बनाइए, वो भी फ्री में और गवर्नमेंट की ऐप है, मैं इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे टेक्नो यूट्यूब चैनल पर नए हो और से, तो प्लीज़ चैनल के आपने वीडियो आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसे दबा के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते ही पास में छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन आएगा, बेल आइकन दबाते ही आपको हमारे चैनल की सारी नई वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम पैन कार्ड के बारे में। पैन कार्ड कैसे बनाए ऑनलाइन, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर फ्रेंड्स, आपको बहुत ही आसान है। आपको यहाँ गूगल क्रोम में जाके यहाँ टाइप करना है इनकम टैक्स। इतना ही करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रेंड्स आपको यहाँ इनकम टैक्स डालने के बाद यहाँ वो सबसे ऊपर वाला इनकम टैक्स यहाँ ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, यहाँ ऐसा पेज ओपन होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ कट करना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा है ऊपर वाला, तो जो ये देखिए दो न्यू अपडेट है। आपका पैन कार्ड, जो आपका पुराना पैन कार्ड है आपने आधार लिंक नहीं किया है, तो प्लीज़ उस पैन कार्ड को आधार लिंक कीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम यहाँ इंस्टेंटली पैन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए लोडिंग हो रहा है। फ्रेंड्स लोडिंग होने के बाद ये एकदम फ्री ऐप है, कुछ दिनों के लिए फ्री स्कीम है। फिर ये देखिए गवर्नमेंट की ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। थोड़ी लोडिंग चल रही है फ्रेंड्स। देखिए ओपन हो चुके हैं। या देखिए अकाउंट ओपन दिस फैसिलिटीज फॉर इंस्टेंट एलिमेंट पैनी पैन ओनली लिमिटेड पीरियड फर्स्ट कम फीस सर्विस बेसिक वैलिड आधार होल्डर्स। ये कुछ दिनों के लिए फ्री है, जो आधार होल्डर्स हैं उनके लिए फ्री बना है कुछ दिनों के लिए। फिर ये इसमें इसको भी पैसे देने पड़ेंगे। हम इधर अप्लाई पैन पर क्लिक करना है और इधर आपको यहाँ नीचे आके यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ बहुत ही आसान है। आपको ये टाइटल में लिखना है श्री, आप श्री SMT जो ये आपका है वो आपको डालना है, स्त्री पुरुष या दूसरा कोई। तो फर्स्ट नेम जो आपका आधार कार्ड पर जो नेम है फर्स्ट नेम वो डालना है, और मिडिल नेम जो आपका फादर या मिस्टर का नाम है उसे डालने के बाद आपको लास्ट नेम सर नेम डालना है आपका। तो फ्रेंड्स इधर डालने के बाद आपको फुल नेम एकदम आधार नेम, यहाँ आपको एकदम करेंटली आधार नेम डालना है, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ डाली है। डालने के बाद फ्रेंड्स आपको फेल मेल ट्रांजिशन जो आप जब जो आपका जनरल है वो आपको डालना है, या आपको आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ ओके करना है, और ओके करने के बाद आपको यहाँ नए सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका ई पैन कार्ड तैयार हो जाएगा। और कुछ देर बाद आपको पीछे देखिए, आपको कुछ देर बाद पीछे आना है, और पीछे आने के बाद आपको यह चेक इंस्टेंट पैन कार्ड स्टेटस पर सबमिट करना है। और एक्नॉलेज नंबर, यह आपका जो जो पैन कार्ड का जो नंबर है ये डाल कर आपको सबमिट करना है, और आपका पैन कार्ड डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ दिनों के लिए फ्री है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, आपने पैन कार्ड नहीं बनाया तो पैन कार्ड बना के लिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स।